नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। इमरान खान लगता है कि कभी सुधरेंगे नहीं। जब भी भारत में कोई ऐसी बात होती है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश इमरान खान करने लगते हैं और उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कि भारत पाकिस्तान पर और ख़ास करके पीओके पर हमला ना कर दे। जी हाँ, एक बार फिर से इमरान खान ने भारत को युद्ध की धमकी दी है और यूं कहें कि युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। इमरान खान को ये लगता है कि भारत में जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं उसका खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। मुसलमानों के हमनवा होने का दावा करते हुए इमरान खान ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के लोगों का ध्यान बटाने के लिए सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे भारत के लोगों का ध्यान बटाने के लिए मोदी की सरकार पीओके पर हमला कर सकती है और पीओके को कब्जा में लेने की कोशिश कर सकती है। इमरान साहब शायद ये भूल जाते हैं कि पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है और भारत उसको आखिरकार एक दिन लेके रहेगा और मोदी सरकार ने भी ये कह रखा है और एक बार नहीं कई बार ये कह रहा है, कई बार ये कह चुका है, हमारे गृहमंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं। इवन जो एजेंडा है उस एजेंडे में भी है कि पाकिस्तान जो है, जो पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, हम कश्मीर को भारत का अपना अभिन्न अंग मानते हैं और पीओके भी हमारा हिस्सा है और उसी को लेकर के जो लड़ाई चलती है वो पाकिस्तान के साथ चल रही है। और बातें अगर नहीं होती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उसके बीच की एक आखिरी वजह है। तो इमरान साहब, आपका डरना लाजमी है लेकिन ज़रा अपने गिरबान में झांकिए और अपने देश की तरफ देखिए, अपने देश की जनता की तरफ देखिए और अपनी समस्याओं और अपने मुद्दों को देखिए। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ की सरकार है और वो सरकार सक्षम है यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार है और एक लोकतांत्रिक सरकार है जो भारत के लोगों की और भारतीय लोगों की, जो उसके नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम तक, कोई भी कदम उठाएगी और किसी भी हद तक जाएगी। लेकिन इमरान साहब, एक बार आपको फिर से चेता देना चाहता हूँ, आप अपनी जनता को देखिए, जहाँ भुखमरी है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, पूरे विश्व में आपकी किरकिरी हो रही है, आपके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और आप अपने देश को छोड़ करके भारत की समस्याओं पर नज़र गड़ाए हुए हैं। बंद करिए ये गंदी राजनीति और अपने देश के लोगों को गुमराह करने की राजनीति। अगर कुछ सोचना है तो अपने देश के लोगों के बारे में सोचिए और उन्हें रोटी और उनके लिए रोजगार पैदा करने की कोशिश में लगिए। भारत जो है अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है और आपका डर लाजमी है और आपको डरना भी चाहिए क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। हम मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी एक दिन हो सकता है कि लेकर ही रहेंगे। तो एक चेतावनी इमरान साहब आपके लिए थी, बंद करिए ये गीदड़ भाव की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।